जिंदाबाद। कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। कल भी वे हारे थे, आज भी वे हारेंगे। CI2 जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौकीदार भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। CI2 जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धरना प्रदर्शन उसके बारे में जी, सबसे पहले तो हम आपका चैनल का धन्यवाद करते हैं, जो आप हमारी मांग और समस्या है वो सरकार तक पहुंचाने काम करते हैं जी। 17/6 को हमें अपने जो पंचायत मंत्री वीरेंद्र बबली है उसके पास गए थे, उसने बड़ा आश्वासन दिया था कि आपकी जो समस्या और मांग है हमको जल्द से जल्द पूरी करेंगे, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बावजूद भी उसने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया, नहीं ऐसा भरोसा दिलाया जिससे ग्रामीण चौकीदार संतुष्टि से बैठ सके। उसके बाद में चौकीदारों के अंदर रोष आया और उन्हें स्वतः राज्य कमेटी की मीटिंग के अंदर फैसला लिया गया कि जिला के अंदर, हर जिले के अंदर प्रदर्शन किया जाए, और उसके बाद में अगर सरकार हमारी मांगों पर अमल नहीं करती है तो हम 2-3 मार्च को, 2 अगस्त को पड़ाव करेंगे करनाल के अंदर मुख्यमंत्री आवास पर, और उसके बाद भी अगर सरकार ने हमारी इन मांगों पर कोई समाधान या विचार करके पूरा नहीं किया तो चौकीदार रोड पर उतरेंगे और उसके जिम्मेवार खुद सरकार होगी। क्या क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे ऐसी कोई ऐसी कुछ ज़्यादा मांगे नहीं, हम तो कहते हैं कि जो सरकार जितना ग्रामीण चौकीदार है जो जितना काम करता है उसके समान उसको वेतन दिया जाए, उसको पक्का किया जाए, जब तक पक्का नहीं करती तो 24,000 उसका जो 24,000 वेतन सम्मान भत्ता, हाँ। तो उसके बाद में दूसरे बात, जो ग्रामीण चौकीदार काम करता है साल में 2 बार वर्दी देनी चाहिए सर्दी और गर्मी की, और उसके बाद में जो सरकार ने PF लागू करने की घोषणा बार बार कर चुकी है लेकिन लागू अब तक नहीं किया, तो उसका लागू किया जाए और ESI के अंदर जोड़ा जाए। आज का जो क्या कार्यक्रम है, आप जो ज्ञापन वगैरह का आज जो हमारा ये ज्ञापन देने का जो हमारा मेन मुद्दा है, तो मकसद है हमारा यही है कि सरकार बार बार आप अपने तरफ से घोषणा कर चुकी है लेकिन उनको काम बिल्कुल लागू नहीं कर पा रही, तो हमारी यही है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा किया जाए, अगर सरकार नहीं करती है तो हमें जो 2-3 अगस्त है उसको 2 दिन का महापड़ाव करेंगे करनाल के अंदर मुख्यमंत्री। आज जो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ये जद जिला की सभी ग्रामीण चौकीदार हैं और अपनी मांग और समस्याओं को लेकर शांतिपूर्वक एक नियम के तहत जो अपना DC है उसको अपना मांग पत्र देंगे जिससे कि वो उसके नॉलेज में बात जाए और हमारी जो मांग उसको पूरा करें। दूसरी बात जो सरकार ने जो आप एक गृह विभाग से हटाकर ग्रामीण चौकीदार को पंचायत विभाग के अंदर डाला है ये बिल्कुल गलत किया है, हम चाहते हैं कि इनको वापस गृह विभाग में डाला जाए, क्योंकि सरपंच जो है वो गांव के अंदर अपने दूसरे व्यक्ति की मानकर और उसके ऊपर दबाव वगैरह पक्षपात करके वोट की उससे और राजनीति के तौर पर उसको परेशान करता है चौकीदार को, तो जी हमारी प्रार्थना है। कोई मामला ऐसा आया सामने कि पक्षपात हुआ, हरासमेंट की गई? हाँ जी। कहाँ पे? ये जी हर गांव में के अंदर है जी, परेशान करते हैं चौकीदार को, अगर चौकीदार जो प्राइवेट मुनादी करवाता है और वो उससे अपना कोई मांगता है तो उसको मना कर देती है और उसको हटाने की धमकी देता है सरपंच, तो ये चौकीदार के साथ बिल्कुल अन्याय कर रही है सरकार। आपको सोचना चाहिए कि जो ग्रामीण चौकीदार है वो अंग्रेजों के समय से कार्य कर रहा है लेकिन आज तक सरकार इसके साथ एक दुर्व्यवहार का काम कर रही है, क्यों 7,000 के अंदर क्या ग्रामीण चौकीदार गुजार होगा, तो इसलिए हम सरकार से बार बार हर बार मांग पत्र देने का काम किया थी, वो वीडियो के माध्यम से हो, ब्लॉग के माध्यम से हो, DC के, लेकिन सरकार इस पर कोई समाधान नहीं करती।